मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, वो हमने मुख्य परीक्षा महारिवीजन प्रथम संस्करण में किया था। इसका द्वितीय संस्करण आपका जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, नया सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है, तो ये एक अलग बैच है आपका। इसका जो पहला संस्करण है उसमें क्या क्या टॉपिक करवाए गए हैं, और मेरा आप सभी से आग्रह है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र हैं, ये सारे टॉपिक जरूर करेंगे, ठीक है। तो एक बार पहले टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने यहाँ पे किए। मैंने आपको बताया था कि लगभग 60 टॉपिक आप सभी के यहाँ पे कवर होंगे, ठीक है, 60 टॉपिक आपके कवर होंगे, और वो आपके टॉपिक यहाँ पर आपके उपलब्ध हैं। मैं एक बार टॉपिक सारे लिख रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमने क्या क्या किया है मुख्य परीक्षा महारिवीजन क्लास में। और मैं चाहता हूं ये सारे टॉपिक आप कंप्लीट करें, सारी क्लासेस आपके ऐप में उपलब्ध करा दी गई है, सारी क्लासेस आपको मिली है। इसमें टोटल 9 लाइव सेशन हुए हैं और बाकी के रिकॉर्डेड सेशन भी आपको उपलब्ध कराए गए हैं, यानी क्लासेस आपकी कंप्लीट इसमें भेजी जा चुकी है, ठीक है। अब मैं यहां पे आप सभी को एक बार टॉपिक यहां पे लिख रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला टॉप है आपका, सब्जेक्ट है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। इस बार कला एवं संस्कृति से जो टॉपिक मैंने पढ़ाए थे, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं यहां से, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से ही मैंने क्लास शुरू की थी आप सभी की, वो पहला ही आप देखे होंगे, एक क्वेश्चन वहां से आया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों से भी एक क्वेश्चन आया है, तो एग्जैक्टली यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा था प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक भी है, साइंस टेक के भी टॉपिक पढ़ा है, वो भी यहां से पूछे गए हैं। तो एग्जैक्टली ये रिवीजन सीरीज आप सभी की काफी कारगर साबित हुई है, प्रीलिम्स वाले भी और मेंस वाले भी, और करंट अफेयर्स में भी मैंने मतलब जितना पढ़ाया है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपके फंसे हैं सारे के सारे, ठीक है। यानी यूपीएससी में इस बार आपके संस्थान से लगभग 70 से 75 क्वेश्चन सीधे पूछे गए हैं, और मैंने क्लासेस में पढ़ाए हैं, ऑनलाइन बैच में पढ़ाए हैं, और रिवीजन क्लास में पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे मैं टॉपिक लिखूंगा आप सभी के, ताकि एग्जैक्टली आपको आइडिया हो सके कि आपको क्या क्या पढ़ाया जा चुका है, और ये सारी क्लासेस आपकी बैच के अंदर है, सारे टॉपिक आप तैयार कर लेना। इसका सेकेंड एडिशन जो आ रहा है उसमें ये सारे टॉपिक नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपके कमेंट सेक्शन सभी के ले लूंगा। इसके बाद हम कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे, कमेंट सेक्शन भी आपके ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया था विश्व आर्ट एंड कल्चर का विश्व विरासत स्थल, इससे एक क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आया था, और मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप मेंस के लिए भी तैयार रहेंगे। मैंने इतना डिटेल में करवाया था स्थल, विश्व विरासत स्थल के हमने टोटल कितनी क्लासेस की हैं, 2 क्लासेस की हैं, 2 क्लासेस इसकी रही हैं विश्व विरासत स्थल की, ठीक है, क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2। इसके बाद हमने किए हैं भारत के प्रमुख मंदिर, भारत के प्रमुख मंदिर, मंदिर इनमें से ज्यादातर मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाले मैंने उठाए थे, और ये अगला लिया है भारत की प्रमुख मूर्तियां, जिसमें मैंने भारत मंडपम में जो नटराज मूर्ति थी करंट से जोड़ करके चीजें करवाई थी, भारत की प्रमुख मूर्तियां, मूर्तियां ये टॉपिक भी हो गया। अभी कला एवं संस्कृति का है, एक बार लिखते जाइएगा, आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, और ये टॉपिक तैयार करने सारे बैच में है आपके, ठीक है, ये लाइव क्लासेस आपकी हुई है। इसके बाद आपकी प्रमुख गुफाएं, गुफाएं जितनी भी हैं, जैसे कि एलोरा, अजंता, ये जितनी भी एलिफेंटा, बाघ की गुफाएं, जितनी भी प्रमुख गुफाएं सारी हैं इसमें, गुफाओं से मैंने टोटल 3 सेशन लिए हैं आपके। देखो मंदिर से 1 सेशन था आपका, मूर्तियों से 1 सेशन था आपका, गुफाओं से 3 सेशन आपके हुए हैं, और पहले एडिशन की बात कर रहा हूं। इसके बाद मैंने आपका लिया है कढ़ाई, कढ़ाई चिकनकारी, जितनी भी प्रमुख कढ़ाई है, कढ़ाई से मैंने 1 सेशन लिया है, ठीक है। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर में कुछ आपको रिकॉर्डेड सेशंस भेजे गए हैं, जैसे कि ये वाले सारे टॉपिक तैयार कर लेना, गंधार एवं मथुरा कला, गंधार एवं मथुरा कला, ठीक है, इसमें अमरावती कला भी ऐड होगी, ये आपकी मूर्ति कला है, तो मूर्ति कला में गंधार और मथुरा कला, इससे भी हाईलाइटेड टॉपिक रहता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद द्रविड़ कला शैली, मंदिर निर्माण की द्रविड़ कला शैली, ये भी पढ़ा दिया है, ये सब रिवीजन वाली क्लास है हमारी, ठीक है, रिवीजन वाली क्लास में ये वीडियो भी आप लोगों को भेजा जा चुका है, ये रिकॉर्डेड तौर पे मैंने भेजा है आपको। इसके बाद सल्तनत कालीन वास्तुकला, सल्तनत कालीन वास्तुकला, आप सोच नहीं सकते इतने सारे टॉपिक आप सभी को यहां पे उपलब्ध कराए गए हैं,
कालीन वास्तुकला, और ये मान के चलिएगा कि यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आप सभी के पूछता है। इसके बाद है आपका शास्त्रीय नृत्य, जितने भी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं वो सारे यहां पर आपके करवाए गए हैं, जैसे कि आपका कथक हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कथकली, ओडिसी, जितने भी हैं सारे के सारे यहाँ पे आपके मैंने करवाए हैं। ठीक है, एक बार सारे के सारे आप देखते जाइए क्रम से। और ठीक है, शास्त्रीय नृत्य हैं आपके, शास्त्रीय नृत्य के शायद दो वीडियो आप सभी को भेजे गए हैं, दो वीडियोज आपके भेजे गए हैं। तो इस तरीके से टोटल 13 वीडियो आर्ट एंड कल्चर में है आपके, 13 लेशंस कहां पर है, आर्ट एंड कल्चर पे। ठीक है, कला एवं संस्कृति पे टोटल 13 लेशन है, और मेरा आप सभी से आग्रह है कि एक बार जरूर से जरूर ये सारे लेशंस देख लीजिएगा, सारे लेशंस आप देख लेंगे, 13 लेशंस आपके ये हैं और ये चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत ये मैंने कंप्लीट करा दिया है, और ये वीडियोज आपके ऐप के अंदर आ चुके हैं, ऐप से ही मैं ये लिखवा रहा हूं। दूसरा सब्जेक्ट हमने उठाया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं, इनके सबके नोट्स बनाना है आपको और ये ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। प्रौद्योगिकी प्रीलिम्स में हमने 15 लाइव सेशन पूरे लिए थे, यहाँ पे हमने 9 लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशंस भी मैंने कुछ आपको भेजे थे, यानी टॉपिक 60 की बात हुई थी, 60 के 60 टॉपिक आपके कंप्लीट है। इसमें साइंस एंड टेक में पहले तो मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब एक तरीके से मान लीजिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता से किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप गलत नहीं करके आ पाओगे। मेंस में भी ये टॉपिक पूरा कंप्लीट मैंने करवाया है, टोटल 8 लेक्चर आपके एआई पे ही मैंने लिए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे टोटल 8 लेक्चर हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी समझ आपकी विकसित होगी, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गड़बड़ नहीं होगा, सब लोग जरूर देख लेना। 6 लेक्चर मैंने आपके रिकॉर्डेड भेजे हैं, बाकी मैंने लाइव करवाए थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे एआई शिखर सम्मेलन जो आपका हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डीप लर्निंग, डीप फेक, ये सारी चीजें, मशीन लर्निंग, इन सब पे बात हुई है। इसके बाद साइंस एंड टेक पे 8 लेक्चर आपके इसके हैं। दूसरा पॉइंट है नेट न्यूट्रलिटी, कुछ शब्दावलियां करवाई है मैंने। ठीक है, मैं शब्दावली भी लिख देता हूं, साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई प्रमुख शब्दावली, शब्दावली कहें या कॉन्सेप्ट कहें, जो भी कहें आप, ये जैसे नेट न्यूट्रलिटी, ओटीटी, मेटावर्स, ठीक है, जैसे गोडीलॉक्स जोन, जैसे आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स, चतुर्थ औद्योगीकरण, जेनरिक दवाएं, प्रोबायोटिक्स, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हैं। और इन पे टोटल कितने लेशन हैं, 1 2 3 4 5 6 लेशन यहाँ पे हैं, यानी साइंस एंड टेक से टोटल 14 लेशन आपके करवाए गए हैं, 14 क्लासेस कराई गई हैं। ये तैयार कर लेने से साइंस एंड टेक का काफी समझ विकसित हो जाएगा, सारे टॉपिक आपके यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन का सब्जेक्ट आपका हुआ है, तीसरा सब्जेक्ट है आपका आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन का, आप सभी लोग दूसरे संस्करण में जरूर जुड़िएगा, ये सारे टॉपिक के इतर टॉपिक आएंगे, सब्जेक्ट भी मैं कुछ चेंज करूंगा वहां पे। ठीक है, दूसरा संस्करण की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं, आप सभी लोग जुड़िएगा, उसमें भी हम लोग नए नए टॉपिक्स और बहुत शानदार टॉपिक करेंगे। तो आपदा प्रबंधन में एक तो आपदा प्रबंधन की परिभाषा, आपदा का वर्गीकरण, आपदा की स्थिति, तो आपदा की आधारभूत क्लासेस हुई है आपकी, टोटल आपदा के आधार पर आधारभूत क्लासेस मैंने करवाई हैं, कितनी क्लासेस करवाई हैं, 1 2 3 4 चार क्लासेस आपकी आधारभूत क्लासेस हुई हैं, चार तो आपकी आधारभूत क्लासेस हैं जिसमें आपदा की समझ वगैरह विकसित कर रहे हैं। ठीक है, चार क्लासेस दिए हैं, और इसके बाद फिर मैंने शब्दावली कराई है आपदा से जुड़ी हुई, शब्दावली, शब्दावली पे भी टोटल मैंने आपकी 4 क्लासेस इस पे कराई, यानी आपदा प्रबंधन पे 8 क्लासेस आपकी करवाई गई हैं, आपदा प्रबंधन पे 8 क्लासेस आपकी करवाई गई हैं, ये क्लासेस भी आपको पूरी कंप्लीटली देखनी है। ठीक है, तो मेंस रिवीजन के अंतर्गत ये हो गया आपका तीसरा सब्जेक्ट, एक आर्ट एंड कल्चर 13 क्लासेस, इसके बाद साइंस एंड टेक पे 14 क्लासेस, और आपदा प्रबंधन में 8 क्लासेस। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट में था हमारा नीति शास्त्र, नीति शास्त्र रिवीजन क्लास के अंतर्गत, देखो नीति शास्त्र में आपको जो है 3 टॉपिक आपके कंप्लीट करवाए हैं, मैंने भिजवाए यहां पे। पहला है मूल्य, मूल्य हमने लाइव क्लास में किया था, मूल्य से टोटल 8 लेक्चर हमने किए हैं। दूसरा अभिवृत्ति, अभिवृत्ति के रिकॉर्डेड वीडियोज आपको भेजे गए हैं, और ये कर जरूर लेना, बहुत समझ में आएगा, 5 सेशन इसके हैं। और इसके बाद है भावात्मक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि,
अभी इसका एक ही लेशन है यहाँ पे, इसके अभी लेशन और आ जाएंगे, ठीक है, अभी इसके दो तीन लेशन और आएंगे भावात्मक बुद्धि के, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के भी आपको वीडियोस यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे भिजवा दूंगा। तो ओवरऑल अभी जो भेजे गए टोटल 14 लेशन है यहाँ पे इथिक्स के, लेकिन अभी इनकी संख्या बढ़ के मेरे ख्याल से 15 या 16 हो जाएगी, ठीक है, अभी जो है 14 है, अभी इनकी संख्या 16 हो जाएगी, तो वो जो भावात्मक बुद्धि के आज ही जुड़ जाएंगे वीडियो, ठीक है आपके, तो वो वीडियोस भी देख लीजिएगा, बैच के अंदर आपको वीडियोस मिलेंगे। इसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध से भी वीडियो आपको भेजे गए हैं, अगला सब्जेक्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध, सबको आपको देखना है और मेंस आंसर राइटिंग भी करिएगा स्वयं से आप, इनसे क्वेश्चंस भी आपको लास्ट में मिल जाएंगे, कुछ उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए हैं। इसमें भारत नेपाल संबंध मैंने पढ़ाया है, भारत नेपाल संबंध, नेपाल संबंध, और टोटल 3 वीडियो इसके भेजे गए हैं, आईआर में 3 सेशन ही आपके आए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के टोटल आपके इसमें टॉपिक मैंने पढ़ाया है भूकंप, भूकंप के 4 लेक्चर आपको भेजे गए हैं, भूकंप, भूकंप के 4 लेक्चर, यहां पे भी 4 लेक्चर टोटल आपके हुए। और लास्ट एक सब्जेक्ट है भारतीय समाज, भारतीय समाज, भारतीय समाज के 5 लेक्चर आपके भेजे गए हैं, टॉपिक है नगरीकरण, नगरीकरण, तो नगरीकरण के 5 लेक्चर हैं, भारतीय समाज के 5 लेक्चर हैं, ये टोटल लेक्चर हैं आपके, मैं एक बार काउंट कर लेता हूं, 9, 9, 3, 12, 28, 12, 16, 28, 28, 8, 36, 36, 14, 50 और 13, 63, 60 टॉपिक मैंने बोले थे, टोटल 63 टॉपिक आपको भेजे जा चुके हैं, 63 टॉपिक अभी आपके भेजे जा चुके हैं आपके बैच में। अब ये सारे टॉपिक कर लेना है, इस तरीके से जो आपका मुख्य परीक्षा महारिवीजन का जो बैच था ये कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और आप इतने टॉपिक तैयार कर चुके हैं मात्र और मात्र 1 महीने के अंदर अंदर, यदि आप इनको पूरा कर लेंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर आप 60 या 63 टॉपिक और हाईलाइटेड टॉपिक, इसमें जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, आप देखिए टॉपिक ये नगरीकरण सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ठीक है, भारतीय समाज में भूकंप से क्वेश्चन बहुत पूछता है, प्री में भी पूछता है, मेंस में भी पूछता है, इसमें मैंने डिटेल मेंस लेवल का पढ़ाया आपका, और भारत नेपाल संबंध भारत का पड़ोस है, मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिवृत्ति और भावात्मक बुद्धि, इनसे तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक क्वेश्चन तीनों से बनता है, ठीक है, और आपदा प्रबंधन से भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो आधारभूत समझ और शब्दावलियां यहाँ पे कई सारी हमने की हैं, शब्दावलियां जो है प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट और शब्दावलियां बहुत इंपॉर्टेंट थी प्रीलिम्स व्यू पॉइंट से, और आर्ट एंड कल्चर के इनमें से तो सीधे सीधे क्वेश्चन हर बार निकलते हैं, ये सारे टॉपिक जरूरी थे। तो इस तरीके से आपका पहला संस्करण कंप्लीट हो जाता है, टोटल 60 टॉपिक का प्रॉमिस था, 63 टॉपिक मैंने आपके करवा दिए हैं, अब आप सभी को द्वितीय संस्करण में जरूर जुड़ना है। सभी ने देख लिए हैं क्या, सारे बच्चों ने ये सारे टॉपिक देख लिए हैं, एक बार सभी लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन पे, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे सब बताएंगे, सामवी नंजी कर रही है सर देख लिया है, कैसा लगा आपको जितने भी टॉपिक थे सारे टॉपिक को करने के बाद कैसा कॉन्फिडेंस आया, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, फीडबैक बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपके अंदर आत्मविश्वास भरना, आपको केवल सब्जेक्ट पढ़ाने भर से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि आपके लिए सब्जेक्ट आसान हो गया। नाजनी खातून जी, प्रमोद कुमार वर्मा जी, सामवी नंजी कहें भावात्मक प्रज्ञता भी आपने पहले कराया है, हाँ संवेगात्मक बुद्धि की अभी क्लासेस और आएंगी आपके पास, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भावात्मक प्रज्ञता की क्लासेस और आपको भेजी जाएंगी। राहुल सेन जी, राहुल सेन जी, सारे टॉपिक हाँ सभी देख रहे हैं,
प्रमोद जी पूरे देखना है, और एक बार आप जब ये पूरे टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो आपका काफी हद तक कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स वाला जो हमारा बहस था प्रथम वाला, उसमें हमने टोटल 15 के 15 लाइव सेशन लिए थे, और टोटल उसमें जो टॉपिक आपके कवर हुए थे वो लगभग 100 के आसपास टॉपिक कवर हुए थे उसमें, लगभग आपके 90 के आसपास मान लीजिए 90-100 के आसपास टॉपिक कवर हुए थे। तो प्रीलिम्स वाले में, क्योंकि मैंने वहां पे पूरा संविधान में पूरे जितने भी प्रमुख आर्टिकल्स हैं, प्रमुख अनुच्छेद हैं, इस बार आपको पता है पॉलिटी में 20 में से 19 क्वेश्चन संस्थान से आए हैं, हिस्ट्री में जो है 9 में 9 क्वेश्चन सारे के सारे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए आए हैं। यही स्थिति ज्योग्राफी में रही है, यही स्थिति आपकी साइंस एंड टेक में है, यही स्थिति आर्ट एंड कल्चर, और यही स्थिति आपकी जो है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स जितना पढ़ाया मैं अभी सब करवा रहा हूं आपको, प्रीवियस जो यूपीएससी की आंसर की आप देख ही रहे हो, तो उसमें आपको आइडिया लग रहा है। हाँ, एक बार रिवीजन कर लेना है दोबारा इन सारे टॉपिक्स को। देखो ये हाईलाइटेड टॉपिक हैं, जितनी बार रिवाइज करोगे आपके लिए हमेशा के लिए याद में बन जाएंगे। ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी पहले भी करवाए थे, वो टॉपिक आपके पास दोबारा आए हैं, तो आप इनको रिवाइज कर लोगे तो जीवन भर के लिए आपकी याददाश्त में छप जाएंगे, ठीक है। और सेकेंड एडिशन में नए टॉपिक लेंगे, नए टॉपिक्स हम करेंगे। सेकेंड एडिशन के बारे में अभी मैं जानकारी दे दूंगा। प्रमोद जी जून तक पूरा कर लीजिएगा, बिल्कुल, ये अब आपके पास बैच है और इस बैच को टाइमली कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने देखिए अपना काम, जो मैंने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को पूरा कर दिया है, और अगले प्रॉमिस के लिए भी मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। अगला प्रॉमिस प्रीलिम्स महारिवीजन का दूसरा एडिशन और मेन्स महारिवीजन का दूसरा एडिशन, दोनों एडिशन आपके साथ मैं लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आप सभी से एक विशेष आग्रह है, सभी छात्र जो है इस आग्रह को स्वीकार करेंगे कि ये सारे बैचेस कंप्लीट कर लेंगे। आप कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। मैं इतने सारे लाइव सेशन आप सभी के बैच में लेता हूं, आपको कुछ अभी भी पूछना हो तो अभी भी पूछ सकते हैं। और बाकी या तो करंट अफेयर्स की क्लास भी आपकी अब जुलाई से स्टार्ट होंगी, और इसकी क्लासेस भी आपका सेकेंड एडिशन भी मैं जुलाई से स्टार्ट करूंगा द्वितीय संस्करण। और प्रीलिम्स वाले में भी आपको जुड़ना चाहिए और मेंस वाले में भी जुड़ना चाहिए। आप मान के चलिए कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत रिसर्च के साथ टॉपिक में निकाल के आप लोगों के लिए ला रहा हूं, ठीक है।